मेरी मुलाकात हुई। अनिष्ठा जी से मैंने कहा ये देवभूमि है और देवभूमि पर कभी झूठ नहीं बोला जाता। अनिष्ठा जी से मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं चुनाव नहीं। हमने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अमित जी ने कहा क्या कहोगे, क्यों नहीं लड़ना चाहते? हमने कहा हमने समाज के लिए कुछ सोच रखा था, उसी पर काम करना चाहता हूं। जेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक जो धीरे धीरे कमजोरी आ रही, गिरावट आ रही, उसके बारे में अमित शाह जी ने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा था प्रतीक क्यों लड़ूंगा? उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है और प्रतीक को मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इस बात को ना ध्यान रखनी है और कुछ कर के घर कर्तव्य है। भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे गोंडा प्रोग्राम को बहराई की जनता ने मुझे 6 बार सांसद बनाया है। 6 बार, 1 बार मेरी पत्नी को सांसद बनाया है, बेटा वर्तमान में बनाया है और कई सांसद और कई ऐसे विधायक हैं जिनको बनाने में मेरा सहयोग है, जिनको बनाने में मेरा सहयोग है। मेरा एक तरीके से 7 बार हो चुका था, 7 बार हो चुका था, कहीं ना कहीं मैं विश्राम करने के था। मैं लोगों से कहता था जाते समय एक चुनाव लड़ूंगा। कुछ लोग कहते थे भाई आपने अपना पेटर एक चार दिन होगी करना था भाई, एक से ज्यादा नहीं जाएंगे। और फिर मैं देखता हूं याद हो भगवान राम का राजचरण होने वाला, उसी समय मंथरा के मन में कुछ विचार आता है और कई कई उस समय बहुत प्रसन्नता रही थी जब राजा दशरथ ने यह कह दिया कि राम का राज्याभिषेक होगा, तो उस समय सबसे अधिक कोई प्रसन्न था तो कई कई भी कई कई प्रसन्न थी क्योंकि कई कई राम को बहुत मानती थी। देखिए होना कुछ और था। मंथरा पहुंची, गुलाम बना दिया, कुछ याद बुलाया और याद बाजी है जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था महाराजा दशरथ घायल हो गए थे। उस युद्ध में कैकेयी भी मौजूद थी, घायल अवस्था में कैकेयी को देवासुर संग्राम से अयोध्या लाने का काम किया था। इससे एक चीज ये भी स्पष्ट होती है कि उस समय की महिलाओं को बराबरी का हक था, उस समय की महिलाओं को बराबरी का हक था। भगवान राम के समय में, दशरथ के समय में महिलाओं को बराबरी हक का हक था क्योंकि कैकेयी उस युद्ध में मौजूद थी। और जब राजा दशरथ स्वस्थ हुए तो उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए और तब मंथरा में जाकर के 2 वरदान याद करवाए और कैकेयी ने मान लिया राम का वनवास और भारत को राजनीति। मेरे भाई को कहना चाहता हूं इसमें ना मंथरा का दोष है, इसमें ना कैकेयी का दोष है, ये तो फिर का सुधार है। यदि राम राजा हो गए तो महापुरुष न बन पाते, केरल से भेंट नहीं होती। यदि आपने चर्चा किया भारद्वाज से भेंट नहीं होती, सबरी से भेंट नहीं होती, हनुमान से भेंट नहीं होती, सुग्रीव से भेंट नहीं होती, जामवंत से भेंट नहीं होती, राम सेतु नहीं बनता, लंका भस्म नहीं होती और रावण अनंत नहीं होता। क्यों हुआ? इसका कारण कौन बना? मंथरा। और कई कई वैसे हम ये रिटायरमेंट सोच रहे हैं लेकिन ये देवियां आ गई, छुआछूत का रोग लेकर के देवियां आ गई और शायद भगवान हमसे भी कुछ काम लेना चाहते हैं, इसीलिए ये कल हुआ। शायद हमारा रिटायरमेंट अभी किसी को स्वीकार नहीं है और इसीलिए
ये हुआ है और बुढ़ापे से फोटो का ये क्रेज है। अभी कुछ जो है बाकी है, वही है वही जो लड़का था, वही है वही जो लड़का था, और वो तरीका का बेटा का। और मेरे भाइयों 5 जून को अयोध्या जरूर आइए, सब बोलेंगे, कुछ जरूरी बात बोलेंगे, याद रखना। अभी बोल देंगे तो हम क्यों आए, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। भाई बहन सिंह जाएंगे, अपने जितने रशी अंदा पंचायत सदस्य रहेंगे, लेकिन उस दिन हम लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, इस प्रकरण पर भी नहीं बोलेंगे। मैंने भय बना दिया कि हमारे प्रकरण पर कोई बात नहीं होगी। ये दाग मेरे ऊपर लगा है, इस दाग को धोने का काम हम करेंगे। ये ठीके मेरे ऊपर पड़े हैं, इस ठीके को साफ करने का काम हम करेंगे। लेकिन उस दिन संत बोलेंगे, मेरे बच्चों वो आपके लिए बोलेंगे, आपके भविष्य के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए आप सबको मुझे आग्रह है। किसी ने कहा है कि नहीं, पाप का भागी हो जाते बजा, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने आंख के सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है, नहीं पाप का भागी होता लिखेगा उनका भी अपराध है। तो ये मौत रहने का समय नहीं है, ये घर बैठने का समय नहीं है, ये शांत रहने का समय नहीं है। 5 तारीख को नौजवान बंधु, किसान बंधु, अयोध्या आओ, संत बोलेगा, देश बोलेगा, देश संतों के साथ पुनः अनिल भाई को और पुनः मंच पर बैठे हुए हमारे हमारे परिवार को, सबको, बेटी को, सबको, भाई को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस मौके की धरती पर बुलाया। मेरा मेरा ये कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले से गर्व गर्व चल रहा है। तो हमको सुना, स्वागत किया, सम्मान किया, ये सब सबके साथ।